तो ये वीडियो उन प्लेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 1v1 कस्टम्स खेलते। अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी अंत तक देख ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी प्लेयर 1v1 कस्टम में नहीं हरा पाएगा। तो ये है कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो कर पीसी प्लेयर्स ओनली 1 टैप मारते हैं। ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स मैं खुद भी फॉलो करता हूँ 1 टैप मारने के लिए। हे गाइस, कैसे हो, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो उन प्लेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 1v1 कस्टम्स खेलते हैं, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप डेजर्ट ईगल से 1 टैप्स मार पाओगे। अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी अंत तक देख ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी प्लेयर 1v1 कस्टम में नहीं हरा पाएगा। आपने देखा होगा कि पीसी प्लेयर्स कितनी आसानी से हर एक गोली 1 टैप मार लेते हैं। अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि वो लोग इतनी आसानी से डेजर्ट ईगल के 1 टैप कैसे मार लेते हैं। तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज बताऊंगा उसी टिप्स को वो लोग फॉलो करते एंड आसानी से 1 टैप मार लेते हैं। एंड एंड में मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर की एबिलिटी भी बताऊंगा जो अगर आप आपके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो आप इजीली 1 टैप मार पाओगे। तो ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि डेजर्ट ईगल से 1 टैप कैसे मारते हैं। सबसे पहले एंड मेन टिप है सेट एम। जब तक आप आपकी एम को परफेक्ट तरीके से सेट नहीं करोगे तो आपकी गोली रिकॉइल हो जाएगी, मतलब कि एनिमी को कनेक्ट ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको आपकी जॉयस्टिक की हेल्प से एनिमी के ऊपर एम सेट करना है एंड उसके बाद ड्रैग करना है, तभी आपके 1 टैप लगेगा। अगर आप विदाउट एम सेट के ड्रैग करोगे तो एनिमी के साइड में से गोली चली जाएगी। एंड कई बार तो एनिमी के हेड के ऊपर एम होता है फिर भी हमारा हेडशॉट नहीं लगता है, वो इसीलिए क्योंकि गोली रिकॉइल हो जाती है। तो ये एकदम बेसिक एंड मेन स्टेप है। सबसे पहले एम को प्रॉपर एनिमी के ऊपर सेट करो एंड देन ड्रैग करो। सेकंड टिप है रेंज। रेंज एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर है हेडशॉट मारने के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज से हेडशॉट मारना आसान होता है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारना बहुत ही मुश्किल होता है, ये तो हम सबको पता है। बट अगर बात करें डेजर्ट ईगल की तो डेजर्ट ईगल से मिड रेंज में हेडशॉट मारना आसान रहेगा, बिकॉज शॉर्ट रेंज में तो भाई हेडशॉट मारना मुश्किल ही होता है चाहे आपके पास कोई भी गन हो। एंड डेजर्ट ईगल लॉन्ग रेंज में ज्यादा रिकॉइल करती है, तो मिड रेंज विल बी परफेक्ट फॉर डेजर्ट ईगल। तो अगर आप डेजर्ट ईगल से 1 टैप मारना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिड रेंज में रहकर फायर करना है, बिकॉज मिड रेंज से डेजर्ट ईगल का हेडशॉट इजीली लग जाता है। थर्ड टिप है रोटेशन ड्रैग। वैसे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिड रेंज से ही फाइट लेनी है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि फाइट शॉर्ट में ही लेनी पड़ती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी फाइट शॉर्ट रेंज में हो रही है तो तब आपको रोटेशन ड्रैग को यूज करना है। अब ये रोटेशन ड्रैग क्या होता है ये तो आप सबको पता है। रोटेशन ड्रैग करने से आप किसी भी बंदे को शॉर्ट रेंज में इजीली हेडशॉट मार पाओगे। एंड अगर आप शॉर्ट रेंज में सीधा ड्रैग करते हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ बॉडी शॉट ही लगता है। तो आपको रेंज वाइज ड्रैग करना होता है। जब बंदा शॉर्ट में होता है तब आपको रोटेशन ड्रैग करना होता है, एंड जब बंदा लॉन्ग रेंज में होता है मिड रेंज में होता है तब आपको सीधा ड्रैग करना होता है। अब रोटेशन ड्रैग आपको परफेक्टली कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अपडेट के पहले क्या होता था कि जब आपका एम वाइट होता था तब आप ड्रैग करते थे, बट अपडेट के बाद चेंज हो गया है। जब आपका एम रेड होगा तब आपको रोटेशन ड्रैग करना है और एनिमी को 1 टैप मारकर खत्म कर देना है। फोर्थ नंबर की टिप है वेट फॉर चांस। आपको कुछ ऐसे चांसेस ढूंढने हैं कि जहां पर आप एनिमी को उसका फायदा उठाकर 1 टैप मार सकते हो। तो देखो गाइस, 1 टैप मारने के लिए टेक्निक के साथ साथ स्ट्रेटजी भी बहुत ही मैटर करती है। विदाउट स्ट्रेटजी 1 टैप मारना मुश्किल हो जाएगा। आपको देखना है कि एनिमी क्या करने की कोशिश कर रहा है, एनिमी की मूवमेंट को आपको समझना है। जब एनिमी जंप करता है, सीधा खड़ा होता है, पीछे की तरफ भाग रहा होता है, तो ये कुछ पोजीशंस है जहां पर आप एनिमी को इजीली हेडशॉट मार सकते हो। तो आपको वेट करना है कि कब एनिमी आपको सामने से मौका दे हेड मारने का। जब एनिमी जंप करेगा, पीछे भाग रहा होगा, तब आप अगर ड्रैग करोगे तो आपका 1 टैप इजीली लग जाएगा। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सब ऐसी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं एंड ओनली 1 टैप्स मारते हैं। फिफ्थ नंबर की टिप है कैरेक्टर स्किल। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कैरेक्टर की एबिलिटी भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली 1 टैप मार पाओगे। तो आपको लूना कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करना है, बिकॉज लूना की एबिलिटी से आपका गन का रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है एंड रेट ऑफ फायर हेडशॉट मारने के लिए काफी ज्यादा मैटर करता है। एक तो पहले से डेजर्ट ईगल का रेट ऑफ फायर कम होता है, तो लूना की एबिलिटी को यूज करके आप रेट ऑफ फायर को बढ़ा सकते हो। तो ये है कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो कर पीसी प्लेयर्स ओनली 1 टैप मारते हैं। ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स मैं खुद भी फॉलो करता हूँ 1 टैप मारने के लिए। अभी तो मेरे पास इससे भी तगड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है डेजर्ट ईगल से 1 टैप मारने की। तो अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिखोगे तो मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा। तो बस ये तक दी गाइस आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड हाँ, अपने दोस्त को भी ये वीडियो जरूर से शेयर करना ताकि वो भी आपकी तरह 1 टैप मार पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।